16 10 की तरीक रात शाम को एक थाना मटौल विखे एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया सीगा जिदे विच एक कमलजीत सिंह शेरगिल है जो कि जलंधर का निवासी है भी उहदी कुटमार हुई है जिसके नाते जिहड़ी आ मटौल थाना पुलिस ने एक्शन विच आके मौके नूं विजिट किया जिस तों बाद शेरगिल का जिहड़ा बयान दिता गया सीगा जिसने दस्सिया कि जिहड़ी 16 10 की शाम को वह होमलैंड हाइट्स के नेड़े एक कैफे सीगा उत्थे गया होया सीगा जिस दे चलते उन्हों तीन व्यक्ति के उन्होंने होर जो बाई ने जो कि परचे से उन्होंने लिखाया तो वह होर कई अणपछाते व्यक्ति से जिन्होंने उन्होंने घेर के तो जी हथोपाई की है तो दुर्व्यवहार किया जी। उस तो बाद जी कमलजीत सिंह शेरगिल का जी स्टेटमेंट लिखी गई है उसके स्टेटमेंट के बिना तो तीन बंद बाई ने जोड़े कि संदीप सिंह गिल उर्फ सिप्पी गिल एक सनी सिखों एक हनी खान ये तीन मुंडिया के बाई ने तो बाकी 5 तो 6 जे अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ जी कि एफ आई आर थाना मटौल विखे दर्ज की गई है अंडर सैक्शन 343 148 59 25 54 नाम। सर ये कोई CCTV भी सामने आई है अंतर देखो अंडर जो केस है हाले अंडर इनवैसटीगेशन है आप सारे पहलू जोड़े है पुलिस वालों को एग्जामिन किए जा रहे हैं एज पर फैक्ट जो सच्चाई होगी वो मुताबिक इनवैसटीगेशन कंप्लीट करके जल्दी जल्द थोड़े सामने पेश जी। साहब हजे तक कोई गिरफ्तारी इस पूरे मामले से हाले फिलहाल कोई भी किसी व्यक्ति की भी हले जी गिरफ्तारी नहीं की गई है साड़ी पी जी मटौर थाने की टीम है वो इस केस से स्पेशली वर्क कर रही ने सारा एविडेंस कलैक्ट करके ऑन रिकॉर्ड जोड़ा है छेती कंप्लीट किया। सर जरा आम सैट का मामला दर्ज हुआ है ड्यूरिंग इनवैसटीगेशन सामने आया कि लाइसेंसी है अजे तक कोई नहीं हाले देखो जो उन्होंने बयान जो लिखाया सिंपल लिखे भी वैपन जो मेरे से तानिया गया हूँ वैदर लाइसेंसी सीगा नहीं सीगा वो दोषियों की अरेस्ट तो बाद प्लस जोड़े कि इनवैसटीगेशन फैक्ट सामने आएंगे उस बाद ही क्लीयर होंगे फिर थोड़े ना बात सर झगड़े का कारण की पता लगे हूँ तक कुछ सच कुछ नहीं है जी वो आप क्लीयर कर रहे हैं ड्यूरिंग इनवैसटीगेशन जो क्लीयर होगा तो मैं दस ठीक है सर।